बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा की जब से अडल्ट फिल्म मेकिंग वीडियो केस में गिरफ्तारी हुई है, आए दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सेबी ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स को उल्लंघन करने पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर अपने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और वियान इंडस्ट्रीज पर तरजीही शेयरों के अलॉटमेंट के खुलासे में 3 साल की देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है। 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे। इनमें से 1,28,000 इक्विटी शेयर्स कुंद्रा ने, जिन्हें रिपुसूदन कुंद्रा कहा जाता है, और शिल्पा शेट्टी ने मिलकर कंपनी के प्रमोटर्स को अलॉट किया था। सेबी के 2000 प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के अनुसार प्रमोटर्स को 2 दिन के भीतर ही कंपनी के इस लेन देन का खुलासा करना था, अगर ये 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। बदले में कंपनी को इस रिवील को 2 वर्किंग डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को देना था। इस मामले में सेबी ने कहा कि लेन देन का मूल्य 2,57,00,000 था और 2015 के लेन देन से संबंधित खुलासे 2019 में किए गए। नियामक के एक नोटिस के जवाब में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने गलती स्वीकार की और कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं किया गया था। अब उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।